तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे व्रत के लिए एक बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेनू और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने एक बोल लिया है। इसमें डालेंगे एक कटोरी सिंघाड़े का आटा, दो डालेंगे कद्दूकस किया हुआ गाजर, एक कद्दूकस किया हुआ खीरा, एक टुकड़ा कद्दूकस किया हुआ अदरक, दो कटी हुई हरी मिर्च, टेस्ट के अनुसार नमक। तो मैंने यहाँ पे व्रत वाला सेंधा नमक इस्तेमाल किया है। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो पानी का इस्तेमाल हम बाद में करेंगे, क्योंकि खीरे में भी अच्छा खासा पानी होता है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे दो उबले हुए आलू, जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया है। आधा चम्मच डालेंगे काली मिर्च, थोड़ा सा डाल देंगे बारीक कटी हुई धनिया पत्ता और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह का थोड़ा सा गाढ़ा घोल हमें बनाकर तैयार करना है। अब हम तवा गरम कर लेंगे। इसमें डाल देंगे आधा चम्मच घी। घी की जगह आप ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बड़ा चम्मच बैटर डालकर इसे अच्छे से फैला देंगे। आधा चम्मच देसी घी ऊपर से डाल देंगे और इसे धीमी आंच पर थोड़ी देर तक पकने देंगे। थोड़ी देर पकने के बाद इसे पलट देंगे और दूसरी तरफ भी अच्छे से पका लेंगे। और दोनों ही तरफ से देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से पक चुका है। तो एक दो बार हो सकता है आपको बनाने में परेशानी हो, तो मैं आपको दूसरा तरीका भी बता देती हूँ कि किस तरह से आप बनाइए इसको। तवे पर आप डाल दीजिए थोड़ा सा देसी घी या फिर ऑयल और थोड़ा थोड़ा बैटर डालकर आप इस तरह से इसे फैला दीजिए। तो इस तरह से जब आप बनाइएगा तो आपको पलटने में भी बहुत ही आसानी होगी। थोड़ा सा ऊपर से आप डाल दीजिए देसी घी और इसे धीमी आंच पर पकने दीजिए। उसके बाद पलटकर इसे दूसरी तरफ भी पका लीजिए। तो इस तरह से थोड़ी देर बाद ये दोनों ही तरफ से अच्छे से पक जाएगा और ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी हमारा व्रत के लिए स्पेशल नाश्ता बनकर तैयार है। तो आप इस तरह से एक बार घर पे जरूर ट्राई करिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आज की मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मैं मिलूँगी किसी नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।